हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे लूप टेक्नो सिस्टम चैनल पे आने का। मैं संजय पासी। तो दोस्तों, आज मैं फिर से आपके सामने लेकर के आया हूँ फिशर गोल्डबर्ग प्रो मेटल डिटेक्टर, जो कि आपके सामने है। ये इसमें आपको डबल कॉइल के साथ मिलेगा, जो छोटी कॉइल होती है जो कि 5 इंच की होती है। उसमें आपको अगर नगेट हंटिंग करनी है, ज्वेलरी हंटिंग करनी है या कॉइल हंटिंग करनी है, तो सबसे अच्छा कॉइल होता है वो छोटा कॉइल। और ये होता है 4 से 5 फुट के लिए होता है, इसमें जो कि आप ट्रेडर हंटिंग और कॉइन हंटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस मशीन को कैसे आपको यूज करना है। अगर आप इस मशीन को परचेज करना चाहते हैं तो हमारे पास स्टॉक में हमेशा रहता है मशीन है, तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा नंबर आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो दोस्तों, आइए मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, फिशर कंपनी का है गोल्डबर्ग प्रो मेटल डिटेक्टर। ये देखिए, यहाँ से पावर को ऑन ऑफ किया जाता है। मैं मशीन को ऑन करता हूँ, ठीक है। ये देखिए, मैं मशीन को ऑन कर दिया। मैं थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ कर देता हूँ। उसके बाद ये देखिए, मैं इसे फुल कर देता हूँ। उसके बाद जीजी पिन पॉइंट है, ग्राउंड बैलेंस सेट होता है। जब आप जमीन पर जाएंगे तो इसे दबा करके पंपिंग करना होता है, तो ग्राउंड बैलेंस सेट हो जाता है। अब ये ग्राउंड बैलेंस सेट हो गया। अब ये देखिए, हमारे पास गोल्ड है। गोल्ड का क्या सिग्नल आता है आप ये देख सकते हैं दोस्तों। ये गोल्ड का सिग्नल है, ये देखिए, 50 से लेकर 60 पैसे का गोल्ड होता है, ठीक है। ये देखिए, अब सिल्वर है। मैं सिल्वर का सिग्नल आपको बता रहा हूँ। सिल्वर का सिग्नल क्या आएगा, ये 80 तक जा रहा हूँ। कोई भी अगर सिल्वर का मेटल होगा, चमकता हुआ धातु होगा, तो 80 तक जाएगा। ये देखिए, ये तांबा है। तांबा का क्या सिग्नल आता है, सिग्नल हमें यहाँ पर देखना है, जो ये ऊपर लाइन आ रही है, हमें इसे पॉइंट करना। ये देखिए कहाँ जा रहा है, 80 के ऊपर जा रहा है, 80 से 90 के बीच। अगर 80 से ऊपर कोई सिग्नल होगा, तो चाहे कॉपर हो या एल्यूमिनियम हो या कोई और अदर धातु हो, तो 80 से ऊपर का सिग्नल आएगा दोस्तों। अब ये देखिए, हमारे पास ये आयरन है। आयरन का सिग्नल देखिए क्या आता है, 50 के नीचे ही है। 50 के नीचे सिग्नल आएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये 50 के नीचे सिग्नल है। अगर कोई स्टील या सिल्वर या चमकता हुआ कोई भी धातु होगा, तो उसका सिग्नल देखिए 50 से 60 के बीच का गोल्ड का सिग्नल होगा, गोल्ड या सिल्वर होगा, ठीक है, अगर कोई चमकता हुआ धातु होगा। तो दोस्तों, ये था ऑल मेटल का फंक्शन। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर जैसे कि लोहा आपको बंद करना है, तो उसका सिग्नल आपको कैसे आपको पता चलेगा, या उसका सेटिंग आपको कैसे करना है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ भी नहीं करना, ओनली आपको ये देखिए, आपको डिस्क्रिप्शन मोड की तरफ कर देना होगा। उसके बाद प्लस का बटन आपको दबाना है। ये जो 0 दिख रहा है डिस्प्लेबल, उसके उसे जो है आपको जो है 45 तक करना होगा। सॉरी, ये देखिए, मैंने 45 तक कर दिया है। तो अब देखिए, गोल्ड का जो सिग्नल होगा, उसका सिग्नल देखिए, ये गोल्ड का सिग्नल है। और सिल्वर का सिग्नल देखिए, मैं सिल्वर लगा रहा हूं, ये सिल्वर का सिग्नल है। और ये देखिए, ये तांबा है। और दोस्तों, आयरन का सिग्नल देखिए, ये आयरन है, ये आयरन का फटा हुआ ट्यून आ रहा है, तो ऐसा ट्यून आएगा आयरन का। और ये है स्टील का, इसका सिग्नल देखिए, मतलब कि लोहे का जो साउंड होगा वो फटा हुआ, मतलब मोटा आवाज आएगा। और भी जैसे नॉन फेरस में गोल्ड या सिल्वर या कॉपर एल्युमिनियम ब्रॉन्ज जो भी होगा जमीन के अंदर, उसका पतला ट्यून आएगा। तो इससे आप जो है आसानी से पता कर सकते हैं कि मेटल फेरस है या नॉन फेरस मेटल है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, आप अगर कुछ डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट करिए, और मेरा नंबर आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप कॉल भी कर सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू।
बाय।